Hi, Shweta Sharma here, Rungmunch Event. Hi, this is Soumya here from Jai Ho TV and we are at the Rungmunch Event. Opening act was really eye-catching. मुझे बहुत अच्छा लगा different forms of dances देखना, लावणी, कथक and भरतनाट्यम. बहुत ही catching था opening act मेरे हिसाब से. फिर लावणीज आर वन आफ्टर द अदर विच आर जस्ट आई एम अमेज्ड टू सी ईच डांस एज इट्स ओन स्टेप्स. इतना अच्छा डांसिंग हो रहा है. कथक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं अभी नीचे ड्रेसिंग रूम में होकर आई हूँ और मैं देख रही हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स किस अच्छे से तैयार हो रहे हैं. एंड आई रियली गेव कॉम्प्लीमेंट टू समबडी हु आई जस्ट केप्ट वॉचिंग ऑन द स्टेज. मेरी आंखें बस उसी को ढूंढ रही थी हमेशा जब वो डांस कर रही थी. तो आई वेंट एंड आई गेव हर कॉम्प्लीमेंट. आई एम एंजॉइंग एवरी प्रोग्राम. I love all the dance forms. Growing up, I learned Bharatanatyam, but love seeing all the kids learning the new forms, folk dances, and all the other traditional form of dancing. It's really wonderful. Everything was spectacular. I mean, the kids, even what the flash mob that they did was really good. And the Sufi one was really, really nice. It just took my breath away. And even the Krishna, when he was, between the Kathak and the Bharatanatyam, the differences, footwork was amazing. So it's like we are so close to eradicating polio, and that is the symbol for Rotary. Wow. So let's show that. So close. Here you go. मेरा नाम कृति है और मैं सेवा इंटरनेशनल के साथ काम करती हूँ. सेवा इंटरनेशनल इज अ हिंदू फेथ बेस्ड नॉन प्रॉफिट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो प्रोग्राम हमारा आज है रंगमंच के साथ, इस प्रोग्राम के सारे डोनेशंस विल गो इनटू अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट इन इंडिया इन बेंगलुरु स्पेसिफिकली वेयर वी आर बिल्डिंग टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स. 250,000 स्कूल्स में टॉयलेट्स भी नहीं हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा परिणाम होता है अपने गर्ल्स के एजुकेशन पे. जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है नेशन का, वो ड्रॉप आउट कर जाती है स्कूल. तो आज रंगमंच ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, रंगमंच अ थिएटर विथ अ कॉज. उन्होंने खास लेडीज़ के इमोशन पे, अ वुमन्स इमोशन और एक्सप्रेशन पे एक म्यूजिकल डांस ड्रामा अरेंज किया है. वी आर वेरी थैंकफुल टू रंगमंच फॉर अरेंजिंग दिस प्रोग्राम. और सारी प्रोसीडिंग्स जो भी इस प्रोग्राम से बाहर आती है, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स सेवा किरण प्रोजेक्ट को सीधी जाएगी. और वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू रंगमंच एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू टॉक विथ अस. मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों में से आप लोग यहाँ आए हैं और यदि आप लोगों के इस डोनेशन से, इस इवेंट में आने से यदि एक भी बच्चे को सहायता मिलती है, तो वो आप लोग के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा. सो आप हमारे साथ टीम के साथ जुड़ सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जानने के लिए कि क्या क्या और आगे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर आपके पास कोई आइडिया है जो आपको लगता है यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड इट कैन मेक अ डिफरेंस, कम टू अस. इफ इट फॉल्स अंडर आर मिशन स्टेटमेंट्स, वील वर्क विद यू एंड वील मेक इट हैपन फॉर यू. आर टीम इज रेडी टू वर्क विद यू हैंड इन हैंड एंड मेक इट हैपन. सो द वेबसाइट फॉर सेवा इज www.sewausa.org, www.sewausa.org. और फेसबुक पेज है सेवा बे एरिया. प्लीज़ डू जॉइन अस एंड लेट्स मेक इट हैपन. वी विल ऑल वॉलेंटियर टुगेदर. थैंक यू. आप इनकी टीम में देख सकते हैं वैशाली जी, मिनल जी और सॉरी आपका टैग उल्टा है, मोहन जी, संदीप जी और ये सब काफ़ी, प्रतीक जी, गुरु प्रसाद जी, सब लोग ने इतनी मेहनत करके किए हैं कि आप लोगों के सामने आपके पैसों का सदुपयोग हो, कोई गलत काम ना हो और आप कम से कम किसी एक बच्चे की जिंदगी सवार सके. तो इसी के साथ सेवा मंडल को हमारे जय हो टीवी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. वापस निकलो. नमस्ते जी, मैं हूँ श्वेता जय हो टीवी से. अब मैं आपको एक बे एरिया की सबसे अच्छी डांस टीचर से मिलवाती हूँ. जैसा कि आप जानते हो कि मैं मिले सुर मेरा तुम्हारा से भी हूँ और मुझे पता है कि भाई कौन कैसे कितने पानी में डांस करते हैं. यकीन मानिए
इनसे आप मिलेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ वाकई में आपने किसी अच्छी पर्सनालिटी से मिले हैं। इनकी डांस है नुपुर डांस एकेडमी। इनके जैसा डांस मैंने आज तक बे एरिया में नहीं देखा। इनको मैंने अपना गुरु माना है, तो आइए मैं अपनी टीचर जी से आपका इंट्रो करवाती हूँ। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच श्वेता। आप अपनी नुपुर डांस एकेडमी और इन सब के बारे में बताइए निर्मल जी कि आपने कैसे स्टार्ट किया और अब आप कहाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल योर व्यूअर्स। और मेरा नाम निर्मल गोसावी है। आई एम द आर्टिस्टिक डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ नुपुर फोक डांस एकेडमी। अभी 17-18 साल होने को आए कि बे एरिया में मैं फोक डांसेस सिखा रही हूँ। स्टूडेंट्स एट माई अकेडमी लर्न फोक डांसेस फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र मंडल के कन्वेंशन से शुरुआत हुई थी एंड पीपल एन्जॉयड फोक डांसिंग, तो ऐसे ही शुरुआत की है। एंड किड्स एडल्ट्स एवरीबडी एन्जॉयज क्योंकि फोक डांस इज विद इन अस, तो बस वही रिदम में करते हैं, सो इट्स अ फन थिंग। आपको रंगमंच के बारे में कैसे पता चला और ये जो इवेंट हो रहा है ये आप एज ए टीचर आप कैसे देखोगे क्योंकि आपको डांस का बहुत कुछ पता है, तो प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल रंगमंच के स्मिता एंड माधव कराड़े, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत सालों से पहचान है। वी हैव वर्क ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स टुगेदर एज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से दैट इट इज़ फॉर अ ग्रेट कॉज, क्योंकि जो उनका कॉज है बिल्डिंग टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले भी इन्होंने प्रोग्राम किया था, दैट वाज आल्सो फॉर अ सुपर कॉज, सो कुडोस टू द टीम। टॉकिंग अबाउट द कोरियोग्राफीज एंड द प्रोग्राम, इतने सारे लोगों को लेके एंड विद सो मेनी कोरियोग्राफर्स वर्किंग, सो ईच कोरियोग्राफर आई एम श्योर हैज वर्कड सेपरेटली ऑन देयर टीम एंड देन दे हैव पुट अ प्रोग्राम टुगेदर जो कोहिजिव लग रहा है। And it is gelled very well. बहुत मेहनत लगती है। I do performances every year, productions every year, so I know कि कितनी मेहनत पड़ती है, कितना time जाता है to get everybody together on board. So really, really a big salute to all these people. अच्छा नुपुर जी, तो अभी जैसे कि आपने ये बताया कि आप 17-18 सालों से यहाँ हैं, तो आपके जो साल में कितने इवेंट होते हैं? एक तो बड़ा इवेंट होता है हमारा, एनुअल शो होता है हर साल मई में। लास्ट ईयर से हमने फोक डांस का फेस्टिवल शुरू किया है इन द मंथ ऑफ मई, सो दैट इज़ अवर एनुअल इवेंट। एंड इन एडिशन टू दैट कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट सिटीज़ में जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, जैसे कुपटिनो में दिवाली मेला में करते हैं हम, सैरिटोगा में करते हैं, वी परफॉर्म इन डिफरेंट इवेंट्स जो भी ICC के वगैरह होते हैं। सो द मेन गोल इज़ फॉर पीपल टू बिकम मोर अवेयर ऑफ इंडियन फोक डांसेस, टू काइंड ऑफ मेक इट मेन स्ट्रीम एंड शो पीपल दैट इट इज़ फन, फोक डांस इज फन, सो दैट्स। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आपको भी फोक डांस सीखना है तो प्लीज़ आप नुपुर डांस अकेडमी फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। आप इनका YouTube, Facebook, Google सर्च करेंगे निर्मल गोसावी जी का नाम जरूर आएगा, तो प्लीज़ आप इनसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जय हो टीवी की तरफ से आप सभी को एक बार एक महान शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो यहाँ रंगमंच के लिए हमारे साथ वॉलंटरी कर रहे हैं। इनका नाम है सत्यजीत जी। सत्यजीत जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। क्या बोलूँ मैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सिस्को एंड आई एम अ रिलेटिव ऑफ माधव कराड़े। तो मैं हर बार आते रहता हूँ, इट्स दिस इज माई थर्ड प्रोग्राम, आई जस्ट डू बैक स्टेज स्टफ, दैट्स इट। आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन गो ऑन द स्टेज एंड डू स्टफ, सो आई एम टिपिकली बिहाइंड द स्टेज। तो आप ये जब यहाँ पे आते हैं तो आपको रंगमंच में जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, सो दैट्स द रीजन आई मेक इट अ पॉइंट कि आई कम हियर एंड डू सम वर्क। आई लाइक द प्रोग्राम्स, I like the theme, I like the idea behind it, and I like the way the proceeds go to all the charity, right? I love that thoughts. जैसे कि कोई भी प्रोग्राम बिना वॉलेंट्री के नहीं हो सकता, इसीलिए हर एक वॉलेंट्री उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना एक प्रोग्राम का डांस या टैलेंटेड कलाकार, कुछ भी आप कहिए। बिना वॉलेंटियर, मैं खुद इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ तो मुझे पता है वॉलेंटियर क्या होते हैं। इस प्रोग्राम का एक्चुअली कंसेप्ट से लेके इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हमने किया, राइट फ्रॉम आर्टिस्ट सिलेक्शन, कोरियोग्राफर्स, कौन क्या करने वाला है, प्रोग्राम का बेसिकली जो विजन रहता है, राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट लिखते हो आप, तो
जो लिखता है उसको हम ऐसा बिलीव करते हैं कि ऑडियंस कैसे क्या रिएक्ट करेगा वो आपको विजन करना चाहिए. तो राइट फ्रॉम दैट मोमेंट वी स्टार्टेड टिल एग्जीक्यूशन. अच्छा, तो इसकी तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? ऑलमोस्ट 5 months बैक. और आफ्टर हमारा जो फर्स्ट शो हुआ उसके बाद, क्योंकि हमारे सेवा के किसी लोगों ने हमें अप्रोच किया था जब हमने प्रोग्राम किया कि आप हमारे लिए कुछ करो, तो तभी हम सोचना चालू किए कि क्या कर सकते हैं. और हमने सोचा था कि ये लड़कियों के लिए होने वाला है, तो ऐसा कुछ करें कि जिससे, क्यों लड़की यानी स्त्री क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम अगर कुछ कर सकते, तो यू नो इट्स जस्ट नॉट हेल्पिंग कॉज, इट्स मोर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो आपको एक बार फिर बता दूं कि रंगमंच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये लोग यहाँ रह के इंडिया के लोगों की इतनी मदद करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. आई थिंक सोच भी सकते हो तो हम कर नहीं सकते, करने के लिए हिम्मत चाहिए. जैसे कि अभी इन्होंने अपने पिछले प्रोग्राम के जरिए अच्छा खासा 38,000 का अमाउंट जमा करके नाना पाटेकर के नाम को दिया था, जस्ट अपने ये प्ले से प्रॉफिट उठा के. तो अभी इस रंगमंच की एक इस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स ऐसी हैं जो खुद नहीं आई है पर इनके रंगमंच के नाम पे हेल्प के तौर पे उन्होंने डोनेशन दिया है. आप डोनेशन तभी बिना जाने बिना कुछ कहे दे सकते हो जब आपको पता हो कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है. पानी के जैसे सफ़ेद और पवित्र रंगमंच का हर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है. थैंक यू स्मिता जी. थैंक यू सो मच. So here we have with us Jayashree Sharma, the person who has entertained this particular show from the beginning, and she also hosts a lot of other events in the Bay Area. So Jayashree, hi. It was awesome listening to you out here. Thank you so much. Thank you. And so what is your connection with Rungmunch? Actually, it was accidental. So basically, I had come here to watch the show and never thought that I would be part of the stage here. So it just happened. And somehow a month ago, I had emceed another event. And I met Smita and Madhav over there. And I think that's how I met them. It so happened that they needed somebody for the stage. And probably they just remembered me. And that's how I'm here. Nice. So see, one time you people see you, they just remember you. They cannot forget you. Thank you for saying that. And so how is it hosting a dance event? Well, I'm a dance mom, I would say. Wow. Because my daughter is a dancer. I love to dance. Mm-hmm. So hosting a dance show is a really a great feeling. Mm-hmm. And basically, Rungmunch, what they showed here, I mean, they have donated for a cause also. But they have also showcased a different kinds of dance performance here. I mean, the last one, Jogwa. It was such a high energetic dance form. If you're from Maharashtra, you know that. You'll know what it means. Not only Jogwa, but Bharatnatyam, Kathak, folk dances, Lavani. I just love Lavani. Again, people from Maharashtra know what Lavani is. So they have showed every single dance form that is connected to Maharashtra. And it was just awesome to present that. Yeah. So if given a chance for you, if Smita ji comes and tells you, Jayashree, you have to dance for us, what would you prefer, dancing, hosting? Actually, I love to dance. But I think hosting is... Sure, you can. But I think hosting requires lesser preparation than dancing, because dance, even if you miss out somewhere, you can see it. And in hosting, you can be more natural and extempore. So definitely dancing, I would love to. Okay, then let's do one step together and get this done. Oh, so what step would you like to do? We'll do it together. I don't want to, actually. I'm wearing this. At least a mudra. Okay, thank you so much. It was awesome listening to you and having you here as well. Thank you so much. Thank you so much for talking to me, and you're looking gorgeous, Soumya. Thank you. Bye. Here we have with us Bay Area Salman Khan, Sunny Moza ji. How are you? Great. Shirt nikalni padegi uske liye. Nahi, please. So, it was awesome listening to you and Jayashree out here. And so this is a very different event. Have you hosted some events like this, or how did you feel hosting this particular event? So I've hosted a lot of dance shows and also hosted a lot of events in which the audience primarily were Marathi.
and Malapan Marathi yet, thodi thodi. So I can, it was fun, it was fantastic. I love hosting when there are lots of people on the stage performing and in the audience. Wow, okay. So which was the best dance you liked? I saw you looking at girls more than the dance. So which one did you like the most? So I think the question goes back to you, why were you looking at me? Because there was nobody else other than that. Achha, sirf main hi dikh raha tha. Please record this properly, showcase it. She was only looking at me, there's nobody else. Wow, I like you too. You were so bright in the light that I had no choice. Tareef khatam hi nahi ho rahi, karte jao. You speak, I'll listen. I like it, but thank you so much, thank you. Thank you, but all the dances were fantastic. Lots of dances had different moods, and I just envy them because they can dance so well. Mm-hmm. Okay, great. So can you dance? Of course I can. So what form? Normal Bollywood. I've done a few shows in dance dramas. I don't know, 6, 7, 8 shows like that. Awesome. So you have a host who can dance, right? That's nice. Thank you so much for your time, and we really enjoyed your show. Thank you. Thank you. I'm glad we're matching in color. Yeah. Thank you. So then a pic. Hey, you dance, right? Give a pose. And let's get it done with the pose. Sure. Yeah. Sure. Do you have any pose in mind? No, you have to tell me. You're the dancer. Let's do the Shah Rukh now. You have to turn this way. Uh-huh. No. We have with us Urmila. She is the person, you know, I think all of you would have first met. But how? It is through her flyer. She has written the flyer for Rangmanch out here, and she's also performed 2 dances out of Lavani in this particular show as well. So Urmila ma'am, how was it performing for Rangmanch? Oh, it's always a pleasure. First thing first, when you know that it's happening for a great noble cause, that is, you know, like you're like exhilarant. Yes, you know, you give your 100%, and passion is all left behind then, you know. It's all about, yes, I want to do it. And that's why in this program, even my daughter was comparing, mm-hmm. because a girl standing up for a girl, mm-hmm. makes a whole lot of difference, wow. isn't it? Wow. That's so nice. So you perform Lavani. Is that the only form, or do you dance other forms as well? I am actually not a trained dancer. It's just a passion. Basically, I'm an actress. I also sing. Wow. But then I can manage any form of art. Wow. It's just the passion that takes over, I guess. And again, here, like you said, Rangamancha, it is such a wonderful organization. You feel that you belong. It's a family. Mm-hmm. So a person gives 100%. I want to go out of your way to do for your family. Exactly. That's exactly. How it is. So you're an actress as well. So where can we see you? In theatres and all that. In 2000, I acted in a movie here called Asphyxiating Uma. Wow. Back home in India, I've done a lot of shows, a lot of theatre. So, nice. So I think there are so many fans of yours. Hi to the fans of hers. Hi there. And hope to see you next time. Please watch Jai Ho. Thank you. If you can tell that. Yes, and on Jai Ho. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. टीवी हमेशा आपको अलग 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 लोगों से मिलवाता है, हर एक चीज यहाँ के लोगों की बताता है. इस वक्त जय हो टीवी आपके साथ बे एरिया के सबसे अच्छे टीचर्स, जो कथक टीचर हैं, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी शायद कथक डांस को ही दी है, उन सबसे रूबरू करा रहे हैं. ये है प्रज्ञा जी, संगीता जी और दीपान्विता जी. इनके बारे में आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, विश आपकी, आप कुछ भी सर्च कीजिए, सब कुछ मिलेगा. तो आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे रंगमंच के बारे में पूछते हैं. दीपान्विता जी, आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा और आपको कैसे इच्छा हुई कि हाँ हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? सो एक्चुअली आई न्यू स्मिता from before, so that's how we came to participate in this program. So she invited us, 3 of us, you know, to come with our students, and we feel very good to participate because it's a great cause, and we are also very happy to have participated in the dances which have been choreographed by our Guruji, Nritya Shiramani Guru Vandana Sen, the legendary Kathak maestro. And by the way, I just want to let everybody know that the dances were choreographed over the phone. So she's an amazing teacher, a person who loves us so much, and she wanted to also you know, be a part of it because of the cause. And you know, it was, she's above 70 years old, and yes, it was really amazing. Yeah. Okay.
तो आप अब आप ये देख सकते हैं जब इनके टीचर 70 ईयर के होके इनको फोन पर डांस सिखा सकते हैं तो ये खुद कैसे होंगे। ये है संगीता दी, इनको भी मैं काफी समय से जानती हूँ, आइए इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। आगे आपका क्या प्लान है रंगमंच के बाद में, आप ऐसा क्या करना चाहते हो जो जिसका हम बेसब्री से इंतजार करें? राइट नाउ आई एम प्लानिंग फॉर माई स्कूल्स एनुअल शो, सो होपफुली इट विल बी ऑन 18th March 2017 एंड मे बी बाई नवम्बर इट विल बी यू नो एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड एंड डन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Thank you. हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ में, आप हमें बुलाइए, जय हो को हम सबके सब जरूर आएंगे। ऑफ कोर्स, श्योर। प्रज्ञा जी आप यहाँ कितने समय से हैं, और मुझे पता है आप तीनों गुरु बहनें हैं, और मैं आपसे पहली बार मिली हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इनसे बहुत मिल चुकी हूँ, पहली बार इन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं चाहती थी, एक सपना कि मेरे मिले सुर मेरा तुम्हारा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ डांस करें, वो मुझे देखना नहीं हुआ, लेकिन आज हुआ है पूरा। तो प्रज्ञा जी आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। आपने इतना सुंदरी इतनी सारी बातें कह दी मेरे बारे में तो मुझे पता नहीं क्या बताऊँ, बट थैंक यू श्वेता, she always has you know, encouraged us to come and perform and we will perform for sure. Yes. My name is Pragya Das Gupta, as she said, and I run Tarana Dance Academy and I'm their guru behen. Our guru is Nritya Shiromani Guru Vandana Sen. As Dipanivita said that she choreographed the whole like six dances and which we presented, because today we did not you know go for our choreography, but we took completely her vision, her choreography, and this is all for a good cause. So of course she has spent a lot of time thinking about each choreography, and that you can see like everything is so beautiful. And also I could say that nowadays in the modern days we use the Skype, which is a lot easier, but she believes that you know the emotions could be told better rather than moving the hand in front of the camera. So she talked to us until like in India, like 1 o'clock, 1:30, to just let us know how the feelings of the whole thing. And I think that really clicked today. And we are very happy that all of you liked it. Thank you. एक और सवाल, आप तीनों ने इतने डांस किए, उसमें कई में आप तीनों साथ में थे, आपको सबसे अच्छा आप लोगों का डांस वाओ ये वापस करना है, ऐसा कौन सा लगा, आपकी चॉइस? आज जाने की जिद ना करो। या ऐसे तो मेरी गुरुजी के हर कोरियोग्राफी लगता है कि बार बार करें, और जितना बार करेंगे उतने नए नए चीज़ एक्सप्लोर करते कि अच्छा उन्होंने ऐसे समझे थे। लेकिन आज जो दो किए, ऑफ कोर्स जाने का जिद ना करो, यस वो थोड़ा ज़्यादा चाहूँगी फिर से करने के लिए। प्रज्ञा जी आप? मेरे गुरु बहन से मेरी जो मेरा विजन जो है वो कभी अलग हो ही नहीं सकता, तो जाने के जिद फॉर मी आल्सो, बिकॉज उसमें इतने सारे वुमेन इमोशंस दिखाए गए हैं और इतने डीपली दिखाए गए हैं विच वी मेनी ऑफ द टाइम्स फील बट वी कैनॉट एक्सप्रेस, नॉट इन द सर्टन वे विच वी शोड बट इन मेनी अदर वेज। सो मुझे लगता है कि हमारे लिए जाने की जिद इज द वन, वी विल डू इट अगेन। इसे कहते हैं लगन, घर में चाहे कुछ भी तकलीफ हो, भले ही रात को 1 बजे 2 बजे जगो, कल भले ही इंडिया जाना है प्रज्ञा जी को, पर वो आज पूरा समय यहाँ पे दे रही है। ये बातें इन्होंने मुझे ऐसे ही बातों बातों में बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वाकई में थैंक यू वेरी मच, जय हो टीवी की तरफ से थैंक यू वेरी मच।